सागर में सीएम कमलनाथ के पीएम मोदी पर दिए बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। उनके बयान पर बीजेपी हमलावर है। दरअसल सीएम ने रविवार को सागर में नागरिकता कानून के विरोध में बोलते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला था और कहा था कि मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है। मोदी जी कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, वो सिर्फ ध्यान मोड़ने की राजनीति करना जानते हैं। मोदी जी आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं। तरह तरह का कानून, हमारे नागरिक संशोधन का कानून, ये कानून नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, नागरिक संशोधन कानून क्या कोई वार हो रही है? क्या कोई रेफ्यूजी आ रहे हैं? क्या चिंता थी आपको ये कानून लाने की? कौन सी प्राथमिकता दी कि आपने लोकसभा को 12 बजे तक रात को चला के ये कानून पास किया? मोदी जी नौजवानों को जवाब दीजिए। आज ये जो नौजवान आज भटक रहा है, आप इस किसान जो आसमान की तरफ देख रहा है, इनको जवाब दीजिए। मोदी जी आज ध्यान मोड़ने की, कभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे मोदी जी, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, पर नौजवानों की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। ये कलाकारी आज देश पहचान रहा है। मुंह चलाने में और देश चलाने में बहुत अंतर होता है। सीएम कमलनाथ के बयान से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने सीएम के बयान को उनकी हताशा बताया है, साथ ही बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। नरेंद्र मोदी जी किसी की कृपा से इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। इस देश की 130 करोड़ जनता ने उन्हें अपना सेवक के रूप में जनप्रतिनिधि बनाया है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। कमलनाथ जी का ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी सरकार की नाकामी को छुपाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी पर वार करना है। पर देश की जनता जानती है, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की गति को भी बढ़ाया है और इस देश के भाग्य को बढ़ाने का भी काम किया है। इस देश में वो बातें जो शायद कांग्रेस के शासन के समय से रुकी हुई थी, उनको गति लाकर इस देश को के भविष्य को सुनहरा भविष्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस तरह की बयान दुर्भाग्यपूर्ण भी है, निराशाजनक भी है और सही मायने में कमलनाथ जी के फ्रस्ट्रेशन को उजागर भी करते। आपको बता दें कि रविवार को सीएम कमलनाथ संत रविदास जयंती समारोह में शामिल होने सागर के पीटीसी ग्राउंड पहुंचे थे, जहां से उन्होंने पूर्व की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। सागर में सीएम ने संतों को सम्मानित किया, साथ ही करीब 3,000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ हिमांशु शिवा पुरोहित की रिपोर्ट।